दुर्ग जिला पुलिस में एएसआई के पद पर पदस्थ अशोक यादव को वृक्षों और पौधों से इतना लगाव है जितना एक पिता को अपने बच्चों से होता है, और यह प्रेम इतना गहरा है कि अशोक यादव ने एक छोटी सी वाटिका बना दी है जिसमें फलदार शो प्लांट के साथ औषधि के पौधे भी लगाए हैं। देखिए एक खास खबर, पर्यावरण प्रेमी एएसआई अशोक यादव। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, परंतु दुर्ग जिला पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ यह हैं अशोक यादव जी, जिनके लिए हर रोज पर्यावरण दिवस होता है, क्योंकि इन्हें पौधों और वृक्षों से इतना प्यार है जितना प्यार एक पिता को अपने बच्चों से होता है। और अशोक यादव ने अपने इसी प्रेम की वजह से अपने निवास के करीब एक छोटी सी वाटिका बना दी है। इस वाटिका में फलदार, छायादार और औषधियाँ पौधों के रूप में रोपी गई थी, जो अब बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति और वातावरण का संतुलन अगर बनाए रखना है तो वृक्ष लगाना अनिवार्य है, और एक लंबे समय से एएसआई अशोक यादव इस वाटिका में लगे वृक्षों को प्रतिदिन अपनी ड्यूटी जाने से पहले बड़े प्यार से सींचते हैं और इनकी देखरेख बिल्कुल एक पिता की तरह करते हैं। यह वाटिका सीएसपी छावनी कार्यालय के ठीक पीछे स्थित है, जहां पुलिस क्वार्टर्स में अशोक यादव निवास करते हैं। पुलिस महकमे में भी इन्हें प्रकृति प्रेमी के नाम से पहचाना जाता है, और पुलिस के आला अधिकारी इस वाटिका को देखने कई बार आ चुके हैं और सभी ने मुक्त कंठ से एएसआई अशोक यादव की सराहना भी की है। आप भी सुनिए अशोक यादव पर्यावरण को लेकर क्या कहते हैं। और झाड़ है जो अपन सांप के लिए गरुड़ जी बोलते हैं, भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ का झाड़ मैंने लगाया है और यहाँ पर जिसका रखा दिया है। ये वृक्ष जो है करौंदा का है, जो करौंदा फलता है जिसको करौंदा बोलते हैं, वो बहुत कम जगह आपको उपलब्ध हो पाता है। करौंदा का वृक्ष है ये ठंडी में फलता है। ये हरदे की झाड़ है, औषधि है, जिसको अपन खांसी आने पर जो भूज कर सिक कर जो बुजुर्ग लोग खाते थे, ये हरदे की झाड़ है। ये आपको उपलब्ध 100 किलोमीटर के एरिया पे उपलब्ध नहीं होता है। ये बिल्व का पत्र है, यहाँ तोड़कर भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। पृथ्वी का संतुलन अगर बनाए रखना है तो बेहद ज़रूरी है पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, और पर्यावरण को संरक्षित करने का एकमात्र उपाय है कि हर व्यक्ति हर वर्ष एक पौधे का रोपण जरूर करे और उसकी जिम्मेदारी उसके वृक्ष बनने तक ले, जिससे प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है और इंसान का जीवन भी इस प्राकृतिक ऑक्सीजन के जरिए स्वस्थ रह सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।